एक पति एक पत्नी, हम दो हमारे दो क्यों नहीं को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में एक बार फिर दो बच्चों की नीति पर बहस शुरू हो गई है। असम सरकार ने ऐलान कर दिया है तो देश में आबादी के लिए लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में भी चर्चा शुरू हो गई है। बढ़ती आबादी के महाविस्फोट से पूरा देश कराह रहा है। देश को जरूरत है एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जिसको लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। कोरोना संकट में हमने देखा किस तरह बड़ी आबादी के कारण भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बौनी साबित हो गई। बढ़ती आबादी किस तरह से संसाधनों पर बोझ बनती जा रही है, ये सबने देखा और महसूस भी किया। इसलिए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत बन गया है। हालांकि केंद्र सरकार से ऐसा कोई भी इशारा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह राज्य सरकारें आगे आ रही हैं, केंद्र भी जल्द दो बच्चों की नीति को लेकर कानून बनाएगा। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की मांग है। असम में तैयारी पूरी है तो यूपी में चर्चा शुरू है। बढ़ती आबादी से देश में समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिससे संसाधनों पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर आगे बढ़ें, आईटीवी नेटवर्क की खबर पर फिर लगी मुहर। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी, कल सबसे पहले इंडिया न्यूज ने दिखाई थी खबर। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून जल्द आने की बात कही जा रही है। अब यूपी विधि आयोग के चेयरमैन आदित्य मित्तल का बयान, यूपी विधि आयोग कानून की सिफारिशें बनाने में जुटा, दो बच्चों वालों को ही मिलेगी सरकारी सुविधाएं, दो से ज्यादा बच्चों पर कानून की तैयारी, दो महीने में विधि आयोग सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट, यूपी में जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति। आदित्य मित्तल राज्य विधि आयोग के आप मुखिया हैं, सबको अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य देना है लक्ष्य। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी भी चलेगा असम की राह। यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दो बातें पूरी तरीके से भिन्न हैं। 1977 में संजय गांधी जी ने जबरन परिवार नियोजन की योजना प्रारंभ की थी और उसके बहुत घातक परिणाम हुए। तो हम उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहते कि हम किसी भी धर्म के विपरीत हैं या हम किसी की मानवीय स्वतंत्रताओं के विपरीत हैं। केवल हमारा ध्यान इस प्रकार है कि जो भी सरकारी संसाधन है, जो भी सरकारी सुविधा है, वो उन लोगों को प्राप्त हो जो जनसंख्या नियंत्रित करने में सहयोगी हैं। जी, आप सुन रहे थे आदित्य मित्तल को। यूपी में हो सकता है नया आदित्य, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक कदम आगे बढ़ने को तैयार यूपी सरकार। इससे पहले हम आपको बता दें, असम सरकार राज्य में दो बच्चों की नीति को लेकर ऐलान कर चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि राज्य सरकार धीरे धीरे दो बच्चों की नीति को राज्य में अपनाने जा रही है। बागिचा एस टी और एस सी मानुर क्षेत्र पपुलेशन नॉर्म्स तो नाहे, बाकी सरकार जिकोनो सुविधा भविष्य लगे कि पपुलेशन नॉर्म्स तो आहिये जाबो, कारण पपुलेशन पॉलिसीखन इतिमध्ये आरम्भ हो गल। गति के लोन रेहाई दियार क्षेत्र एस टी एस टी टी गार्डेनक बाद दी बाकी महिलार क्षेत्र क्या पपुलेशन नॉर्म्स खातिब, गायपति पाँच गराकी सन्तानो हलेओ कथा नाय, प्रथम बार तो पाँच चारि ऊपर राखीम, दूटत नाहू, अलग ऊपर राखीम पाँच चारि,
কিন্তু লাহে লাহে আমি সরকারী সুবিধাবিলাক কিন্তু দুটা সন্তানলৈকে আমি নমাই আনিম। সেইটো ইয়াৰ লগত লিংক নাই। জেনেৰেলি এইটো আপোনালোকে মোৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট বুলিয়ে ভাবিব পাৰে যে গ্ৰেজুৱেলি চৰকাৰৰ যিটো বোলে অৰুণোদয় তাত পপুলেশ্যন নৰ্মছ আহিব বোলে আমি চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাহিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কৰিছে পপুলেশ্যন নৰ্মছ আহিব লাহে লাহে একে কোবে নাহে কিন্তু লাহে লাহে আমি পপুলেশ্যন নৰ্মছ আনিম। প্ৰথম হয়তো जी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को आप सुन रहे थे कि वो ये साफ कर रहे हैं अगर आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो दो बच्चों वाली नीति ही अगली असम की नीति होगी। जी हां, आईटीवी की खबर पर मुहर जो अब लगी है यूपी को लेकर आदित्य मित्तल को आपने सुना। इस पर ताजा अपडेट के लिए आइए चलते हैं हमारे अपने सहयोगी आशीष सिन्हा के पास। आशीष, आईटीवी की खबर पर फिर एक बार मुहर। जी हां, यूपी सरकार आगे बढ़ रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। जल्द विधि आयोग जो है जिसके आदित्य मित्तल प्रमुख है मुखिया हैं, उन्होंने साफ किया है कि ये जरूरी है दो बच्चों वाली नीति लागू हो। आशीष मनीष जी, सूत्रों के हवाले से आईटीवी नेटवर्क ने कल ही ये खबर चलाई थी कि जो लॉ कमीशन है वो टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर काम कर रहा है और आज खुद जो लॉ कमीशन के चेयरमैन है यूपी के उनका बयान सामने आता है जिसमें वो इस बात को मानते हैं कि हाँ हम दो बच्चों के कानून पर विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आईटीवी ने सूत्रों के हवाले से जो भी खबर चलाई थी डिटेल में जिसमें कहा गया था कि जो सरकारी सुविधाएं यूपी में दी जाती हैं उसमें कटौती की जाएगी यानी उन लोगों को महरूम रखा जाएगा जो टू चाइल्ड पॉलिसी को नहीं मानेंगे। यही बात आज उन्होंने अपनी बाइट में भी बोली है यानी आईटीवी की खबर पर पूरी मुहर लगी है। अब इसके आगे मनीष जी, अभी चूंकि मेरी जो बात हुई है सोर्सेज से, अभी ये सारे कानून का अध्ययन कर रहे हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं, उसके बाद पूरा एक मसौदा तैयार किया जाएगा और उस मसौदे को कानून बनाने के लिए राज्य सरकार को दिया जाएगा और फिर राज्य सरकार ये बिल जो है वो विधानसभा में लेकर आएगी। इतना ही नहीं, मित्तल जी ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये जो कानून है किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन यूपी में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है लिहाजा अब सही समय है, उचित समय है कि इसे अब कंट्रोल किया जाए। यही वजह है कि यूपी सरकार जो है लॉ कमीशन जो है फिलहाल अपनी रिपोर्ट में यही कहेगा कि टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको सरकारी सुविधाएं ना दी जाए। जी आशीष, इस बड़ी खबर और आईटीवी की खबर पर जो मुहर लगी है उस पर ताजा अपडेट और जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल है। बड़े पैनल में हमारे साथ एडवोकेट अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, हमारे साथ बीजेपी की नेता प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हाजिक खान साहब, जी हां जो एक स्कॉलर हैं और विश्लेषक भी हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का आज की सबसे गंभीर बहस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चलूंगा अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी नेता भी हैं और आपकी याचिका जी हां सर्वोच्च अदालत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुनी भी जा रही है। अश्विनी जी, मेरा आपसे सवाल, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक तरह से प्रक्रिया जारी है, अदालत में सुनवाई चल रही है, उस बीच इस तरह की बहस लाकर आपको नहीं लगता ये बवाल खड़ा करना होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं अश्विनी जी, क्योंकि आपने बहुत अनुसंधान किया है और उस अनुसंधान के आधार पर आपने याचिका दायर की है। अश्विनी जी, मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संविधान मेरे हाथ में है, संविधान में जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का विषय है वो कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट का मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, राज्यों को छूट है, लेकिन जिस दिन संसद में कानून बन जाएगा राज्य के कानून अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर संसद कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। विषय यह है कि अगर हम, मनीष जी मैं पिछले 20 साल से जनसंख्या नियंत्रण के लिए लड़ रहा हूं, पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, उसके पहले से मैं समाज में सांसदों के पास जाके उनके हाथ जोड़ना, विधायकों से हाथ जोड़ना ये करता रहा इतने दिन तक। पिछले 2 दशक में लगातार रूट का एनालिसिस करने के बाद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आप भारत की समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए, आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी या तो करप्शन या तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ज्यादातर में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मिलेगी। और हमारे पूर्वज कहते थे
कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। हमने चादर से कम 3 गुना आगे पैर फैला दिया। अगर हम पूरे दुनिया का एग्जामिन करें तो हमारा क्षेत्रफल मात्र 50 करोड़ लोगों के लिए है, मात्र 50 करोड़। और मैं आंकड़े बताता हूं, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना है। रूस की जनसंख्या मात्र 5 करोड़ है, हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़। 150 करोड़ इसलिए कह रहा हूं मनीष जी, 2019 में केंद्र सरकार ने कहा था 125 करोड़ लोगों का आधार बन गया और 25 करोड़ आदमी बिना आधार वाले लोग हैं, तो दोनों मिला दीजिए तो मोटा मोटा 150 करोड़ हो गया। तो रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना, रूस की जनसंख्या मात्र 15 करोड़, हमारी 150 करोड़। रूस में पर डे मात्र 5,000 बच्चे पैदा होते, भारत में 70,000। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, कनाडा का जनसंख्या मात्र 4 करोड़, हमारी जनसंख्या 150 करोड़। कनाडा में पर डे 1,000 बच्चे पैदा होते, भारत में 70,000 बच्चे पैदा होते। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, चीन की जनसंख्या 144 करोड़, और चीन का 144 का मतलब 144, क्योंकि 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते। हमारे यहाँ तो 25% बच्चे आज भी घरों में पैदा होते, उनका आंकड़ा 10 साल के बाद आता है, जब उनका कहीं आधार बनता है तब वो काउंटिंग में आते हैं, नहीं तो काउंटिंग में नहीं आते। और चीन में पर डे 44,000 बच्चे पैदा होते, भारत में 70,000। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़, हमारी 150 करोड़। अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना, ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़, हमारी 150 करोड़। ब्राजील में पर डे 8,000 बच्चे पैदा होते, भारत में 70,000 बच्चे पैदा होते। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या हमसे 2.5 गुना, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, ऑस्ट्रेलिया मात्र 900 बच्चे पैदा होते, हमारे यहाँ 70,000 बच्चे पैदा होते। तो अगर आप रूट का एनालिसिस करिए, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, एयर पोल्यूशन जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन जनसंख्या विस्फोट, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, निरक्षरता जनसंख्या विस्फोट, रोजगार जनसंख्या विस्फोट, ये सारी समस्याएं। अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हमारे साथ पैनल पर कुछ और मेहमान है, आइए उनके पास चलते हैं। अश्विनी जी आपके इन आंकड़ों के साथ साथ आपका इस विषय पर जो प्रभुत्व है इससे हम और कुछ समझने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं। अनिला जी, जनसंख्या विस्फोट विकराल रूप ले रही है, आपने अश्विनी जी को सुना, इसके साथ साथ आंकड़े भी ये बताते हैं और कोरोना काल में भी हमने देखा कि बिस्तर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, आखिर ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनिला जी, लेकिन जिस समय ये दांव खेला जा रहा है, विपक्ष आपसे ये जरूर पूछेगा, यूपी में चुनाव है इसलिए ये दांव है? नहीं नहीं, देखिए ये दांव की कोई बात नहीं होगी। सबसे मेरी आवाज एको कर रही है, प्लीज इसको ठीक करवा दें। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपके पैनल पर अश्विनी जी बैठे हुए हैं, ये क्यू ऑफ दी मतलब ये अधिवक्ता तो है पर क्यू के टीचर लीडर्स है जिनको बेहद जानकारी है और मास्टरी है इस सब्जेक्ट। तो जब ये बैठे मेरे बोलने लायक ज्यादा रहता नहीं, पर फिर भी मैं ये कहूंगी मास्टर्स का इसलिए नहीं, उत्तर प्रदेश ने तो नजीर स्थापित करी है पहले भी कई बार, हमें मालूम है अच्छी तरीके से। दो ऐसे कानून, उत्तर प्रदेश लॉ अगेंस्ट रिलीजन प्रोहिबिशन एक्ट और उत्तर प्रदेश पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट, सख्ती से कैसे लाए और उसको लागू कराए उसकी नजीर स्थापित करी है और इसकी भी स्थापित करेंगे। और बहुत सारे प्रदेशों में ये उनकी जैसे पंचायत चुनाव में बार लगाया हुआ है कि दो बच्चों कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे, स्टेट्स में जो है जो लेकर है, गवर्नमेंट राजस्थान जॉब्स को भी लेकर है, तो एक बात तो हो गई है, परंतु व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ बात धर्म और जाति की, यह बात देश की है। जब देश आजाद हुआ था तब से लेकर अब तक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हम इतना सस्ते कर ही नहीं सकते, पानी कम हो चुका है, खाद्यान्न कम हो चुका है, रहने की जगह नहीं मिल पा रही है, कितना वर्टिकल जाएंगे आप, और जो पॉपुलेशन जो हो रही है इसका पॉपुलेशन है आपने देखा होगा उसमें बाल होंगे पॉपुलेशन, कारण ये है कि जितना नहीं मिल पा रहा तब प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा उतना फिर नहीं पा रहा। सब अपने भारत को देखते हुए मुझे लगता है एक एक भारत का नागरिक जो आज की तारीख में है और जो भविष्य में भी आएगा उसका ये अधिकार है वो देश में रह रहा है गर्व करे, ना कि अपना देश छोड़कर दूसरे देशों की तरफ भागना पड़े। ये हमारा कर्तव्य है कि आज की तारीख में करेंगे तो
तो भविष्य में हमारी जी अनिला जी समस्या भीषण होती जा रही है जी। आप भोजन की समस्या, रोजगार की समस्या, निरक्षरता, इसके साथ साथ बात की जाए तो आप ये समझिए कि जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी चीजों को लेकर समस्याओं का अंबार बढ़ता जा रहा है और इसका भुगतान एक आम इंसान ही भुगतता है। हमारे साथ मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब हैं। मौलाना साहब, असम के मुख्यमंत्री साहब हेमंत बिस्व शर्मा ने सप्ताह भर पहले ये कह दिया कि मुस्लिमों से मैं अपील करता हूँ कि दो बच्चों से ज्यादा ना करें। मौलाना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मौलाना साहब, आपने मेरा अगर सवाल सुना हो तो आपका जवाब। जी मैं आपको बताऊं कि हेमंत विश्व शर्मा साहब के बयान को पूरे मुल्क ने सुना है और मैंने भी बहुत गौर से सुना है। बात दो किस्म की आ रही है कि जहां चीन ने जो एक बच्चे के कानून को खत्म करके तीन बच्चे का कानून बनवा दिया है और आप बच्चे के मसाइल पर उलझे हुए हैं, इस मसाइल को देखते हुए कि जब आप बेरोजगारी, उनके सिस्टम, आज बीमारियों में लोगों के बेड्स ना होने, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इन तमाम बातों के दरमियान दो बातें समझ में आ रही हैं कि पहलू दो हैं, एक पहलू है बेरोजगारी का, एक पहलू है बच्चों की परवरिश का और दूसरा पहलू है कि आबादी के बढ़ने का। तो अगर इन तमाम चीजों को आप मिला करके दुनिया के सामने पेश करेंगे तो एक कंफ्यूजन आ रहा है। इसको बतौर इस बार में देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर में कानून नाफिज अगर होता है तो कानून की पेचीदगियों को समझना होगा। सबसे अहम मसला ये होगा कि अगर दूसरा बच्चा जिसके घर में पैदा हो रहा है, अगर वो बच्चा जुड़वा पैदा हो जाए तो फिर उसके साथ आपका कानून क्या अमल में आएगा, चाहे इस पर सरकार ने कुछ गौर किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके के टेक्निकल वजूहात बहुत सारे हैं जिस पर पहले मुल्क के लोगों को गौर करना पड़ेगा। लेकिन यूपी में इस तरीके का ऐलान कर देना कि जिसके पास दो बच्चे से ज्यादा होंगे उसको नौकरियां नहीं मिलेंगी, जिन उनको उनके जो सहूलियात है हुकूमत की तरफ से मिलने चाहिए वो दस्तियाब नहीं हो पाएंगे, इन तमाम चीजों पर नाफिज करने से, कानून नाफिज करने से पहले बहुत ही अहम तरीके से गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि किसी भी मुल्क के बाशिंदे को किसी किस्म की इस वजह से तकलीफ ना होने पाए। लेकिन मुल्क इस बारे में सोच रहा है, मुल्क गौर व फिक्र कर रहा है कि मुल्क के हालात को सुधारने के लिए हर किस्म का योगदान हर एक भारतीयों को देना होगा और हर एक भारतीय। मौलाना साहब, ये आपकी सकारात्मक सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सोच सब में पलने लगे, लोग इस तरह सोचने लगे तो वाकई भारत एक मजबूत भारत भी होगा। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी है। भाटी साहब, यूपी में भी आपने सुना आईटीवी की खबर पर मुहर लगी, विधि आयोग के जो मुखिया हैं उन्होंने ये कहा है कि यूपी में भी जनसंख्या कानून को लेकर कुछ सिफारिशें की जा सकती है जिसमें दो बच्चों से ज्यादा वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चुनाव को देखकर, चुनाव के मद्देनजर ये सोच पैदा हुई है, आपको ऐसा लगता है भाटी साहब? ये जो उम्मीद कर रहे हैं मैं वो नहीं बोलूंगा। ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, हमारे पास जमीन कम है, आबादी हमारी ज्यादा है। इसमें अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत ढेर सारे आंकड़े दिए, लेकिन देश का हर जागरूक नागरिक जानता है कि इसमें ज्यादा अध्ययन की भी जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि हमारी बढ़ती हुई आबादी एक समस्या है। लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए एक बहुत गंभीरता की आवश्यकता है, बहुत गंभीर चिंतन मनन हो, अध्ययन हो और एक स्पष्ट नीति बने इसको नियंत्रित और अनुशासित करने के लिए। वो गंभीरता कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दिखाई नहीं देती। ये जनसंख्या नियंत्रण को केवल एक जुमलेबाजी बना के रखते हैं और इसको लेकर इनका मकसद राजनीतिक लाभ लेने का होता है। देखिए 2020 में जो जनसंख्या नीति घोषित की गई थी उसमें स्पष्ट कहा गया कि कम आयु में विवाह करना और अशिक्षा और बेरोजगारी, गरीबी, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। तो पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कानून से ज्यादा रोल जागरूकता का है। सरकार ने जागरूकता के लिए क्या किया? अगर हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, हम रोजगार बढ़ाएंगे, हम लोगों को सुविधाएं देंगे और ये भी जागरूकता बढ़ाएंगे कम आयु में शादियां ना हो तो जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। हमारे यहाँ, मैं खुद अपने समाज की बात करता हूँ, हमारे यहाँ 15-15, 14-14 साल की आयु में शादियां हो जाती थी जब हमारी शादी हुई थी। अब मेरे किसी भी बच्चे की शादी 25 साल से पहले नहीं हुई है, मेरे परिवार में किसी की भी। तो जागरूकता अपने आप आ रही है। ये मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, क्या जिसके तीन बच्चे होंगे अगर उसके घर में आग फायर ब्रिगेड भाटी साहब, माफी के साथ आपको रोकना होगा, मुझे एक ब्रेक लेना है।
मुझे एक ब्रेक लेना है भाटी साहब, ब्रेक के बाद आएंगे हाजिक खान साहब और अंबर जैदी हमारे साथ हैं, आपसे भी मुझे कुछ सवाल लेने हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस जारी है और देश का सवाल भी, देश का सवाल में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर इस गर्मा गर्म बहस में स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, पैनल में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब हमारे साथ, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, हाजिक खान साहब, अंबर जैदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं हाजिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, मुस्लिमों से अपील करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने ये कहा है कि दो बच्चे हो तो सबसे अच्छे। हाजिक साहब देखिए मनीष जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश में इनके पास देश के लोगों को ना रोजगार दे सके, ना देश के लोगों से महंगाई से मुक्त कर सके, ना देश के लोगों को एजुकेशन दे सके, बल्कि इन्होंने देश का बट्टा फाड़ दिया, देश को तबाही की तरफ ले गए। ये इसलिए ऐसे जो आपकी जनसंख्या है देश की 135 करोड़ देश की जनसंख्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ मनीष जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वकील साहब से कि 1947 में जो भारत था और 1977 में जो भारत था और या 2021 में जो भारत है, उसमें किसमें ज्यादा खुशहाल तरीके से लोग रह रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ इस वक्त आपके सामने कि जब भारत का 100 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो भारत मनमोहन सिंह के 10 साल देश के सबसे अच्छे 10 साल लिखे जाएंगे कि देश में। अरे हाजिक साहब, छोटा जवाब अश्विनी जी से लेते हैं। अश्विनी जी, हाजिक साहब ने आपसे सवाल किया है, उनका सवाल है कि अगर वकील साहब जो आंकड़े दे रहे हैं उन आंकड़ों से हाजिक साहब सहमत होते दिखाई नहीं दे रहे? अश्विनी जी देखिए, पहली बात तो अरे सर, इन्होंने इंडिया का जो आंकड़ा दिया 150 करोड़ का, ये तो जो सारे मुल्कों के 150 करोड़ लोगों को मिला। हाजिक साहब जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए प्लीज। केंद्र सरकार का आंकड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2019 के दिसंबर में बताया था, 125 करोड़ आधार बन चुका है। अब तो 2 साल और बीत चुके हैं, पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। 70,000 बच्चे का मतलब पर ईयर 2,55,00,000 होता है, यानी 2,55,00,000 2020 में पैदा हुए और लगभग इतने 2021 में पैदा होंगे। और ये तो बहुत सामान्य से बात है, आपके घर में भी सबका आधार नहीं बना होगा। हमने कम से कम 200 गांवों में ढूंढा, हमको एक भी गांव ऐसा नहीं मिला जहां घर में सबके बने हुए आधार। ये आप कैसे कह दे रहे हो? आप बन गया होगा सबके बने हुए आधार, ठीक है आपके यहाँ बन गया होगा, लेकिन मैं जो हमने 200 गांवों में जाके देखा कि जब तक बच्चा 10वीं में नहीं आता, उसका 10वीं का बोर्ड का फॉर्म नहीं भरना होता या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनना होता, कोई सरकारी काम नहीं रुकता, तब तक उसका आधार नहीं बनता। अब मैं आता हूँ मूल विषय पे। अरे वकील साहब, आप 100 साल पहले कहाँ थे और 100 साल बाद जो आएंगे लोग कहाँ हैं, बताओ जरा। ये देश को बताओ, देश की जनता को बताओ। हाजिक साहब, हाजिक साहब, जनाब हाजिक खान साहब, जनाब हाजिक खान साहब, एक वक्त एक बोले तो ज्यादा बेहतर, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। अश्विनी जी, आप हाजिक साहब का जवाब दे तो मैं बाकी मेहमान और अंबर, अभी बाकी अंबर आ रहा हूँ। मनीष जी, जिस चीन से तुलना करते हैं, तीसरा बच्चा अलाउ कर दिया, ये नहीं बताते चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। क्षेत्रफल पे नहीं दे रहे बच्चे, गलत फहमी है आपको। और सुनिए, मुल्क में जितनी पैदा होने जनता वो उतनी होगी, आप क्षेत्रफल से मिला रहे हो। अश्विनी जी, आपको रोकना चाहूंगा अंबर जैदी से, मैं अभी तक एक भी सवाल नहीं ले पाया हूँ। जी हाँ अंबर, मेरा सवाल आपसे, आपको मेरी आवाज आ रही है, अगर इतनी तेजी से जनसंख्या को बढ़ाएंगे तो आप और हम खुद समस्या में घिरते जाएंगे। अंबर जी, देखिए मनीष जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, रश्मि जी इस मुद्दे को बखूबी समझते हैं और मुझे लगता है इस मुद्दे पर ऐसे लोगों के साथ बहस करने की जरूरत है जो बखूबी इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। यहाँ पर आप कुछ लोग यहाँ पर ये बैकर छू रहे हैं कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या बढ़ी वो तो बढ़ के रहेगी। इस तरीके से अगर हम मुद्दे पर बहस करेंगे, हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं, अश्विनी जी ने तो अपने वक्त में बताया कि किस तरीके से हमारे देश में कहीं ना कहीं हर समस्या जनसंख्या से जुड़ी हुई है। हमारा देश जनसंख्या विस्फोट के कगार पे है और हम फिर भी वोट पॉलिटिक्स के लिए इस 1973 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आर्टिकल 20 को जोड़ा गया था, उसके बावजूद भी हाजिक खान साहब 1977 की बात कर रहे थे, उससे पहले
1975 में कांग्रेस ने किस तरीके से नशबंदी की नीति को अपनाया था, लोगों पर जबरदस्ती की थी, तो आप क्या चाहते हैं उसी तरीके से? वो आपको बहुत अच्छा लगा था शायद वो दौर, आप जबकि लोगों को जबरदस्ती से रोक नहीं पाए देश की जनसंख्या को, ना कांग्रेस रोक पाई जबरदस्ती से, ना कोई और रोक पाएगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी, आप चाहे हिंदू हो मुसलमानों, किसी के पांच बच्चे पैदा हो गए तो क्या करोगे? बराबर जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के जो हालात हैं, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, उनको समझते हुए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें और उसका पालन करें। हम इसको समझें और उसका पालन करें। अंबर आप सही कह रही हैं, भारत में अल्पसंख्यकों को इज्जत दी जाती है, अगर पाकिस्तान में आप देखें जी। मनीष जी, जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाएंगे जी। अश्विनी जी मैं आता हूँ आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए, मैं आप ही के पास आऊंगा। मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब आप ये तो मानते हैं कि जनसंख्या की अगर बात की रही है तो इसको हिंदू मुसलमान में बांट देना, इसके साथ हिंदू मुसलमान करना, ये अपने आप में गलत है। जरूरी है कि अगर 2 बच्चों के फॉर्मूले या नीति पर अगर सरकार काम करना चाह रही है तो इसमें बुराई क्या है? मुफ्ती साहब देखिए, दरअसल मसला ये है कि कभी भी इस मसले पे लोगों को इत्तेफाक हो सकता है और ना इत्तेफाकी भी हो सकती है, क्योंकि ये मुल्क में हम लोगों को बोलने की सबको आजादी है। लेकिन उपाध्याय जी ने जो बातें की हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 18 मिलियन से ज्यादा 2016 में चीन में बच्चे पैदा हुए थे और 2020 में वहां पे 12 मिलियन से ज्यादा पैदा हुए, जैसा कि आपने 44,000 पर डे के बारे में बात बताया उपाध्याय जी। लेकिन उसी कानून को देखने के बाद उन लोगों ने बढ़ा दिया उस चीज को। जरूरत इस बात की है संसाधनों पर ध्यान दिया जाए, जरूरत इस बात की है गुर्बत का ख्याल किया जाए, जरूरत इस बात पर है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, जरूरत इस बात की है कि जो परेशान आलम की परेशानियों को दूर किया जाए, इस पर भी खास तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जहां तक बच्चों के मसाइल हैं, इस पर अगर मुल्क तवज्जो दे रहा है तो ठेस लगे बगैर इस काम को सही तरीके से पूरा होना चाहिए। और मुफ्ती साहब, अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, मैं चाहूंगा कि वो भी इस बहस में आकर, अनिला जी मेरा सवाल आपसे, अल्पसंख्यकों को ये डर लग रहा है कि यूपी में चुनाव है इसलिए हिंदू वोट्स को गोलबंद करने के लिए इस मुद्दे को जबरदस्ती उठाया जा रहा है। अनिला जी, हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। अनिला जी देखिए, ऐसा है मनीष जी, जो इस गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि पॉपुलेशन यानी आबादी का मसला हिंदू मुस्लिम का है, वो अपनी गलतफहमी अपने मन में से निकाल कर बाहर फेंकते हैं, क्योंकि जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो आज भी 80% के बराबर, तो मुकाबला कुछ भी नहीं है, तो मुकाबला करने की कोशिश ना करें। कोशिश वैसे ये लोग बहुत कर रहे हैं, जैसे इन्होंने एक मौलाना साहब ने कहा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और तब से और अब के हालात का कंपटीशन, अब कितने बदतर हुए, बिल्कुल होता नहीं था। हाँ, आपने सीधे सीधे उनकी शादी पार्टी पार्टी को उल्टा सीधा आपने बोला, 2011 मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है। अनिला जी समय कम है मुफ्ती साहब, और अभी कुछ और मेहमान बाकी। अनिला जी आप बने रहे। मुफ्ती साहब, जनसंख्या नियंत्रण कुरान की रोशनी में हम चाहेंगे कि आप बताएं कुरान क्या कहता है, कुरान क्या समझाता है? देखिए, जनसंख्या का मसला हमारी बहन जिस तरीके से मुसलमानों पर थोपने की बात कर रही है, असल मसला मुसलमानों का है ही नहीं, ये मुल्क का मसला है, इसे हमें समझना होगा बहन। आप इसको एक कम्युनिटी से, जब इलेक्शन आता है तो इसको एक कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, तो इसको एक कम्युनिटी से ना जोड़े। दरअसल मसला ये है कि मुल्क के बहबूद में, फलाह में हर एक शख्स का उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना हमारी बहन का या हमारे भाई का है। तो इस सूरत हाल में हिंदू और मुसलमान मिल करके अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के बारे में गौर होना चाहिए, ना कि सियासी वक्त में, इलेक्शन के वक्त में एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा करके उसको जो जो कॉप किया जाए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये मुल्क का मसला है, इसे मुल्क का मसला रहने दिया जाए, ना कि हिंदू और मुसलमान। अनिला जी छोटा जवाब, अनिला जी छोटा जवाब, मुफ्ती साहब अनिला जी से छोटा जवाब, अनिला जी छोटा जवाब। उत्तराखंड, आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, असम में चुनाव नहीं। अनिला जी, असम में चुनाव नहीं, आप ठीक कह रही हैं।
अनिला जी, असम में चुनाव नहीं लेकिन लेकिन मुफ्ती साहब हाजिक खान साहब की ये चिंता है, हाजिक खान साहब और मुफ्ती साहब की ये चिंता है कि पूरब से जो हवा चली है वो उत्तर की ओर यूपी तक आ रही है, और इसी वजह से मेरे ख्याल से इनके चेहरे पर ये चिंता और शिकन दिखाई दे रही है। मंत्री का बयान गलत है जी, एक जी हाजिक साहब आ रहा हूँ, हाजिक साहब आ रहा हूँ, अश्विनी जी आ रहा हूँ, भाटी साहब के पास, भाटी साहब के पास, राजकुमार भाटी जी, उचित परिवार नियोजन नीति अगर लागू होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी पहले तो आप जिस तरह मुझे आपने मुझे मुझसे पूछा, मैं बोल रहा था, बीच में एकदम आपने ब्रेक लिया, ये बहुत अपमानजनक था। अगर हम आपके लिए महत्वहीन है तो कृपया हमें डिबेट में ना बुलाया करें। और फिर मैंने कहा अगर आप मेरी बात बीच में काट दी थी तो आपको फिर मेरे पास आना चाहिए था उसके ब्रेक के बाद। ये बहुत गलत है और अक्सर राजकुमार जी ब्रेक की जो एक पद्धति होती है वो पद्धति के तहत उस समय पर लेना हमारे लिए मजबूरी होता है। लेकिन राजकुमार जी आप अपने मसले पर आइए और अपनी बात रखिए। आपके शो में अक्सर हमारे साथ अन्याय होता है, ऐसा नहीं होगा, इतना आप विश्वास रखिए राजकुमार साहब। दूसरी बात सुनिए, इस पूरे शो में सभी ने बहुत अच्छे विचार रखे, किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया। आखिर में आपने इशारा किया कि हिंदू मुसलमान तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब है कि आप चाह रहे थे हिंदू मुसलमान हो। फिर अनिला जी बोली, राजकुमार जी मुझे ऐसा लगता है आप एक मानसिकता के साथ बैठे हैं और इस समय आप तेहे में हैं, क्योंकि ब्रेक लेना मेरी मजबूरी था तो आप केवल अपनी वही बात रखना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। इस समय बहस ये खुला मंच है, खुले मंच में सब अपनी राय रख रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आपको बुलाया गया, आपको अपनी राय रखने के लिए कहा गया, आप मुझे कह रहे हैं कि हम आपके साथ आपका सम्मान नहीं किए। सम्मानजनक तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन समय पर आप अपना जवाब देने की बजाय आप वो सारी बातें कर रहे हैं जो बात में हो सकता है। जितना तेज आप बोलते हैं मैं भी पूछूं जी। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। अश्विनी जी मैं चाहूंगा कि आप फाइनल क्लोजिंग कमेंट, जी हाँ क्लोजिंग कमेंट, इसलिए क्योंकि आपकी जनहित याचिका सुनी जा रही है और जनहित याचिका जो आपने दायर की है उसमें आपने अनुसंधान और रिसर्च कर आंकड़े रखे हैं। मैं ये चाहूंगा कि इस समय आप बताएं कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी। मनीष जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, इसका मतलब भारत में 80 करोड़ गरीब रहते हैं। 80 करोड़ गरीबी मतलब ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। हमारी सरकारों ने क्या विकास किया कि आज 80 करोड़ गरीब भारत में पैदा हो गए। हम दुनिया को मैसेज क्या देना चाहते हैं कि भारत गरीब, एक गरीब भारत है जिसमें 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इसका कोई समाधान नहीं, एक समाधान है संसद में केंद्रीय। अश्विनी जी मेरे पास समय कम है, अश्विनी जी मेरे पास वक्त कम है, और वक्त कम के साथ साथ ये कोशिश थी कि सारे पैनलिस्ट के अपने विचार, उनकी पार्टी के विचार देश के सवाल में सामने आए। जी हाँ, देश का सवाल में हमारे साथ अनिला सिंह जी, हाजिक खान साहब, मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब, राजकुमार भाटी साहब, अंबर जैदी, आप लोग सब जुड़े, अपनी अपनी बात रखी। राजकुमार भाटी साहब थोड़े से नाराज हुए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस कुर्सी पर जिस दिन बैठेंगे तो ये समझ पाएंगे कि आखिर बहस चलाना कितना मुश्किल होता है। जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा जी, आप बिना सोचे समझे अगर आप जनसंख्या बढ़ाएंगे, जी हाँ, तो जरूर एक दिन भोजन और पानी के लिए तरस जाएंगे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक।